देख रहे हैं पूछता है भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ सेजल। चलिए तो रुख करते हैं बड़ी खबरों की ओर। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज से शुरू होंगे नामांकन, ऑनलाइन पत्र दाखिल करेंगे और हम लोग 80 सीट पर दबाव बनाने के लिए तैयार हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति का आज होगा ऐलान, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, ब्याज दरों में कटौती का लिया जा सकता है फैसला। राजस्थान में निजी स्कूलों की 70% ट्यूशन फीस वसूली के खिलाफ दायर याचिका पर आज होगी सुनवाई, हाई कोर्ट सुनेगा अभिभावकों का पक्ष। बेटे के स्कूल डीएवी से फीस जमा करवाने के लिए मैसेज आया, जब मैंने स्कूल प्रशासन से उसके बारे में बात की। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, महाराष्ट्र सरकार ने अंतर्राज्य रेल सेवाओं को शुरू करने की दी अनुमति। मौसम में आज बदलाव होने की संभावना, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवात, 12 अक्टूबर तक कई राज्यों में बारिश का अनुमान। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का लंबी बीमारी के बाद निधन, दिल्ली के अस्पताल में चल रहा था इलाज। कोलकाता में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, घायल हुए 3 बीजेपी कार्यकर्ता आईसीयू में भर्ती। दिशा सालियाकी की मौत की सीबीआई जांच पर 12 अक्टूबर को होगा फैसला। रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन पर भारत में लगी रोक। आंध्र प्रदेश के तर्ज पर महाराष्ट्र में भी बनेगा दिशा कानून, अगले विधानसभा सत्र में किया जा सकता है पेश। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली के सभी साप्ताहिक बाजार खुल सकेंगे, अभी तक केवल 2 बाजार खुले। नरसिंहपुर में 2 कारों में मिली 6 करोड़ की हसीस, 7 अपराधी गिरफ्तार। सरकार की उपचुनावों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी, बिहार विधानसभा और मध्य प्रदेश चुनाव में राजनीतिक पार्टी कर सकेगी अब बड़ी सभा, बस सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ध्यान। WHO की रिपोर्ट के अनुसार देश में कल 70 लाख पार हो सकता है कोरोना मरीजों का आंकड़ा, पिछले 24 घंटों में 72,287 नए मरीज मिले, 987 की मौत। मध्य प्रदेश में सौभाग्य योजना में गड़बड़ी के जिम्मेदारों पर निकली 4.5 करोड़ की रिकवरी। इस साल पहली बार कारों की बिक्री में 10% का इजाफा, फेस्टिव सीजन में और भी तेजी की है उम्मीद। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने लगातार 8वीं बार पंजाब को 69 रनों से हराया। जमशेदपुर में 2.5 करोड़ की बियर की गई नष्ट, लॉकडाउन के दौरान शहर के बियर बारों और शराब दुकानों से जब्त किए गए 2.5 करोड़ के बियर। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अनूपपुर सभा को संबोधित करने के दौरान कहा कि राजनीति अब तक बिकाऊ हो गई है, लेकिन मतदाता कभी नहीं बिकता। अगले 2 हफ्तों में 75% हवाई रूटों को खोलने की तैयारी, त्योहारी सीजन की मांग को देखते हुए सिविल एविएशन मंत्रालय ने 75% डोमेस्टिक रूट को खोले जाने की जताई उम्मीद। नमस्कार, मैं हूँ सेजल, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। कोरोना से डरिए नहीं, दूरियां बनाए रखिए, फेस मास्क का इस्तेमाल कीजिए और सुरक्षित रहिए। और लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए पूछता है भारत न्यूज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।